आप सभी स्वागत बात करेंगे यहाँ पर SBI बैंक के बारे में। दोस्तों इस कंपनी के आज क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं और कंपनी ने बढ़िया तरीके से डिविडेंड भी इन्वेस्टर के लिए अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे रहे और कंपनी का डिविडेंड के जो दोस्तों रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ एक एडवांटेज की बात करें तो SBI बैंक ने दोस्तों ये भी बता दिया कि किस दिन आपके यहाँ पर अकाउंट में कंपनी डिविडेंड की अमाउंट ट्रांसफर करेगी उसकी भी जानकारी दी गई है। तो बढ़िया तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग करना कि इस कंपनी में फायदे क्या है और ये स्टॉक रिजल्ट के बाद में कितना आगे परफॉर्म कर सकता है दोस्तों उसकी भी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें ना, पूरे इंडिया में आपको बताना चाहूँगा, पूरे इंडिया में नंबर वन बैंक की लिस्ट निकालना, सबसे ज़्यादा कस्टमर, ब्रांचेस और NPA के बारे में दोस्तों इस कंपनी के पास आपको भर भर कर एडवांटेज देखने को मिलेंगे। इसी का नतीजा दोस्तों इस स्टॉक ने डबल परफॉर्मेंस करके दिखाया। एक साल में जरूर अंडरस्टैंडिंग करना आपको देखने को मिलेगा। आज देखिए स्टॉक ने आपको एक साल में कितने रिटर्न कमा दिए, तो पूरी तरीके से दोस्तों 170% के रिटर्न और पर शेयर पर 250 रुपये कमा दिए है। और आज देखना स्टॉक कितने पर चलता है दोस्तों, 400 रुपये पर, मात्र 400 रुपये पर। और इसके खासियत है कि अभी वैल्यूएशन से सस्ते दाम पर है। अदर बैंक देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि महंगे दाम पर जरूर चल रहे, टॉप लेवल पर है। बट दोस्तों आपको बताना भी चाहूँगा कि SBI में भी अभी उतनी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कि कंपनी आगे परफॉर्म कर सके। जैसे मैं आपको अभी रिजल्ट भी दिखाऊंगा, पहले इसके यहाँ पर आप पी रेशियो को भी चेक करना दोस्तों, देख लीजिए 15 का ही मात्र इसका पी रेशियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, SBI के रिजल्ट कैसे रहे और कंपनी ने रिजल्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है उसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके NPA दिखाना चाहूँगा, कितने अच्छे तरीके से सुधर रहे कंपनी के। अब यहाँ पर NPA पर ज़्यादा फोकस किए दोस्तों, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होते हैं, बोले तो दूसरे लोगों को जो भी कंपनी जो बैंक होती है वो कर्जा देती है उनके तरफ से जो वसूल होना चाहिए, बोले तो रिकवरी रेट जो होता है वो सुधरते नजर आ रहा है। और इनके पैसे जो बैड डेब्ट के नाम से यहाँ पर नोट किए जाते हैं बैलेंस शीट में वो कम हो रहे दोस्तों, और फायदे में कंपनी है, बोले तो इनको लॉस कम फायदे ज़्यादा होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कंपनी के जो NPAs है उसके बारे में, और बाद में मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, इसको भी अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अभी NPA कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पर आपको NPA देखने को मिलेंगे। NPA रेशो हर किसी बैंक का होता ही है और साथ साथ NBFC स्टॉक का भी अवेलेबल होता है। अब देख लीजिए इसके NPA की बात करें दोस्तों, क्या गजब का ग्रोथ है वो आपको पता भी चलेगा, और वो अमाउंट भी देखने को मिलेगी जो पहले कंपनी बैड डेप में थी और जो लॉस होता था उसके बारे में भी। यहाँ पर हम खाली परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों, परसेंटेज देखिए कंपनी का कितना अच्छा यहाँ पर सुधरते नजर आया है। पिछली बार देखिए 6 यहाँ पर 15% के NPA थे, बोले तो कितना परसेंटेज है यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं, 6.15% का NPA था उनका। तो इस बार देखिए जो यहाँ पर क्वार्टर फोर में दोस्तों 4.98 का यहाँ पर NPA देखने मिलता है, बोले तो कंपनी के जो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे ना उसमें कंपनी ने सुधार बहुत ही अच्छे तरीके से किया है दोस्तों, और गजब का यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी के रिकवरी में देखने मिलता है, पैसे वसूली में। ये बात आप बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना, इसी से कंपनी का प्योर प्रॉफिट पता चल जाता है। और इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें ना, पिछले बार से बहुत ही ग्रेट है दोस्तों कंपनी का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयरली बेसिस पर भी। ये ईयरली बेसिस पर देखना, पिछली बार खाली 4 का इसका अर्निंग पर शेयर था, वो बढ़कर दोस्तों इस बार देखिए 7 हो चुका है, और पिछले क्वार्टर में 5 था, इस बार 7 हो चुका है। बोले तो कंपनी यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो होता है उसमें भी और साथ साथ यहाँ पर NPA पे भी सुधार ला रही है दोस्तों। अभी बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, टोटल इनकम देखने से अच्छा मैं आपको कहूँगा कि प्रॉपर तरीके से आप ये अंडरस्टैंडिंग कर ले क्या भाई कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट और यहाँ पर कितना बड़ा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में भी आप जरूर देख लीजिए। सभी के सभी फिगर्स इन करोड़ में है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार जैसे कि 2020 में मार्च महीने में 35,080 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, वो बढ़कर इस बार देखिए 6,450 करोड़ का हो चुका है, बोले तो कंपनी की डबल हमें कमाई देखने को मिल रही है करोड़ों में दोस्तों यहाँ पर ईयरली बेसिस पर। और दूसरी बात करें हम यहाँ पर जैसे क्वार्टरली बेसिस पर, तो आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5,196 जो करोड़ की कमाई कंपनी ने क्वार्टर थ्री में की थी दोस्तों, वो बढ़कर इस बार देखिए 6,450 करोड़ की हो चुकी है, बोले तो कंपनी का गजब का और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस है। नो डाउट कंपनी बहुत ही ज़्यादा फायदे में दोस्तों। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 4 रुपये का डिविडेंड, और उसकी यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है 4 जुलाई, जो भी खरीदेंगे उनको मिलेगा।
और शानदार बात दोस्तों बताना चाहूँगा, जो पेमेंट जो डिविडेंड के जो पेमेंट फिक्स हो गए रिकॉर्ड डेट के बारे में वो भी देख सकते हैं कितने हैं। तो 18 जून से पहले जो भी खरीदेंगे बोल तो आपको बताना चाहूँगा वो डेट से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और जून 4 जून से पहले जो भी खरीदेंगे ना उनको यहाँ पर डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा SBI में। और यहाँ पर आपको बताना भी चाहूँगा दोस्तों, ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना कि कंपनी में कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर वैल्यूम की ग्रोथ देखने को मिलती है लगातार। इसमें क्वांटिटी भी देखिए कितनी शानदार उठाई जा रही है। एक एक बार दोस्तों आपको बताना चाहूँगा लैक्स ऑफ क्वांटिटी की यहाँ पर डिमांड की जा रही है, और आप देख भी सकते हैं आज यहाँ पर पूरे दिन में 19,28,00,000 यहाँ पर शेयर खरीदे गए। और देख लेना अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर ने 3,30,00,000 शेयर खरीद कर रख ले। बोल तो कंपनी अच्छी है, इसी वजह से दोस्तों इतना बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। और कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट भी देखे तो पिछले बार के भी बहुत ही शानदार और अच्छे ही थे। कंपनी का कहीं पर भी दोस्तों कोई शेयर गिरी भी नहीं है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी करती है प्रोवाइड। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस आपको इतना छोटा देखने को मिलता है ना, उसकी वजह जो है ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसने स्प्लिट किया था दोस्तों, 10 एक शेयर के क्या कहते 10 टुकड़े किए गए थे, इसलिए अभी ये शेयर इतना छोटे दाम पर मिलता है। नहीं तो ये कंपनी बहुत बड़ी है और क्वालिटी वाली नजर आती है। थैंक यू सो मच, आई होप मुझे लगता है कि आप सभी चीज़ें समझ चुके होंगे इस कंपनी के बारे में। थैंक यू।